हाय गाइस, होप लोग सारे अच्छे होंगे। आज मैं हॉल करने वाली हूँ एक अमेजोन रैंडम फाइंड्स हॉल। मैंने आज तक ऐसा कोई हॉल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बट मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चल रहा, तो मैंने सोची चलो मैं भी आप लोगों के साथ एक रैंडम हॉल आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, रैंडम फाइंड्स हॉल आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है गाइस ये है एक लिंट रिमूवर। ये अगारो ब्रांड का है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से ये चार्ज होता है एंड यहाँ से ही ऑन होता है, जैसे आपने साउंड सुना इस टाइप से, और इसका जितना भी डस्ट होगा ना वो इस वाले इसमें आ जाता है, तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड इसकी 1 साल की वारंटी मिलती है। अगारो के वैसे भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं। एंड ये सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि जैसे कई बार होता है बच्चे हाथ में ले लेते हैं इस टाइप की चीज़ और कट पर लगने का डर रहता है क्योंकि ब्लेड होता है इनमें, बट यहाँ पर ना प्रॉपर ये बंद है, स्टील का है ये, उससे बंद है ये। और इसके अलावा जो है गाइस इसको ना आपको मतलब ये लगा लीजिए, विंटर के टाइम पे जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उन पर होते हैं तो उनको बहुत ही बेकार लगते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है उन पर, बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो ये वाला मस्ट है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये एक्चुअली मैंने लेमन के लिए मंगवाया था, लेमन जूसर है इसको, यहाँ पे नींबू रख के इसको ऐसे कर दोगे, बट ये बॉटल ओपनर भी है तो ये दोनों काम करता है। एंड इसकी बिल्ड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी लगा इस बहुत ज़्यादा अमेजिंग दी हुई, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दी हुई है। नेक्स्ट है ये है बेगा ब्रांड का कर्लर। अगर आपको अपने बाल कर्ल वगैरह करने हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत अमेजिंग सी इन्होंने मतलब क्वालिटी, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दी हुई है इसकी। एंड इसकी जो वायर है उसका उसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी 2 मीटर 1.5 मीटर के आसपास दी हुई, तो काफ़ी अच्छी दी हुई है। एंड ये ना ऐसे 360 रोटेट हो जाता है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको ना वायर उलझती नहीं है, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट में होता है कि वायर उलझती रहती है। एंड जब भी आप ऑन करोगे ना तो यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाएगी, यहाँ से ऑन ऑफ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है ये विंटेज क्लॉक। ये बहुत सुंदर लगती है, आपने पुरानी मूवी देखी होगी ना स्टेशन पे, इस टाइप की वॉच होती है एंड ये फ्रंट एंड बैक दोनों से टाइम दिखाती है, और ये बहुत ही क्लासी सी विंटेज लुक है, बहुत ही प्यारी। इसको हैंग करने के लिए स्टैंड देते हैं, तो आपको अगर वॉल पे लगाना है तो जैसे वॉल पे आप लगाएंगे, इसके बाद इसमें स्टैंड में इसको इस वाले पार्ट को उसको कर लेंगे, तो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी निकली है इसकी। ये वाला जो आप जो ये देख रहे हो ना, ये हल्का सा जो खराब हुआ है वो मेरी गलती से, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया एंड इसके ऊपर पानी गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ऐसी जगह मैंने लगवाई थी ना इस बार ये, कि जहाँ मुझे ज़्यादा यूज़ था नहीं एंड वहाँ पे ना पता नहीं पानी कैसे लीक हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका ये हो गया, बट मैं सोच रही हूँ इस पर स्प्रे वगैरह करके ना इसको अच्छा सा बना दूंगी, बट ये अभी से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये, एंड ये पता नहीं मैंने इसको बॉक्स क्यों रखा हुआ है। उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट ये बहुत प्यारा सा स्टूल है, फोल्डेबल, इसको आप फोल्ड करके रख सकते हैं, स्पेस ज़्यादा नहीं लेता है एंड बहुत ही प्यारा सा है। इसकी बूट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आपको वीडियोज़ बनाने के टाइम पे काफ़ी हेल्प आता है, ये आपको बालकनी में आपको यूज़ करना है, छोटे आपको प्लांट्स इसके मतलब बहुत मल्टीपर्पज यूज़ है इसका। एंड अगर आपको बंद करके रखना है तो आप ऐसे बंद करके इसको रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है नहीं है, बहुत छोटा सा साइज़ है, बट क्वालिटी वाइज अमेजिंग एंड प्राइस वाइज भी काफ़ी, आई थिंक 350 के आसपास का मुझे मिला था ये। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट है वो है ये है मेकअप ब्रशेस एंड ये स्विस ब्यूटी के हैं। मेरे पास स्टार्टिंग से ही स्विस ब्यूटी के रहे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इसमें टोटल जो आते हैं वो 6 ब्रशेज आते हैं एंड 6 एक में 2 ब्रशेज का काम है, तो टोटल 7 ब्रशेज हो जाते हैं ये। एंड इनके अलावा आपको कोई ब्रश लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड बहुत अच्छे, अभी भी जो मेकअप किया हुआ है ना मैंने इनसे ही किया हुआ है, क्योंकि मैं इन्हीं से करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। इसमें फाउंडेशन ब्रश दिया हुआ है, ब्लश वगैरह के लिए दिया हुआ है, ये आई मेकअप के लिए दिए हुए हैं, तो ये सारे मतलब इसके अलावा कोई और लेने की जरूरत नहीं है आपको, एंड ये लुक वाइज बहुत प्यारे लगते हैं ये लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस वो है ये पिलो, ये साटन के पिलो कवर है, ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे कलर, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर लगता है। अगर आपके ये कहते हैं कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना तो आप साटन के पिलो मतलब कवर पिलो कवर पे आप सर रख के सो, मतलब पिलो में कवर लगा कर उसके ऊपर सर रख के सो जाएगा तो बाल नहीं टूटते हैं, बट मैंने नोटिस किया कि हाँ ये सच है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पिलो को यूज़ करोगे ना और इस वाले इसको करोगे तो अपने आप फर्क नज़र आ जाएगा। एंड इसकी जो है ना क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सारे, एंड प्राइस भी आई थिंक 250 के आसपास की, इसी के आसपास ही मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी स्विस, क्योंकि मैंने ना मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी मैंने आपको दिखाई है, ये है स्विस ब्यूटी का ये
आईब्रो एंड जेल आई लाइनर है ये, अभी भी मैंने जो आईब्रो पे यही मतलब आईब्रो अपनी इसी से की हुई, क्योंकि मेरे पास यही, इसके अलावा मैंने और कोई लिया ही नहीं है। इनके साथ एक स्टिक मिलती है, ब्रश स्टिक, और ये देखो ऊपर आईब्रो के लिए है एंड नीचे जो है आपको आई लाइनर जो मिल जाता है, जेल आई लाइनर, तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्विस ब्यूटी के ना वैसे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये नॉइस की स्मार्ट वॉच, मैंने इसका अभी अभी रिव्यू किया हुआ है, तो फुल रिव्यू देख सकते हैं, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसमें आपको दो कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे, एक आई थिंक ब्लैक कलर मिलेगा आपको ये, और एक आपको मिलेगा सिल्वर, तो आप कोई भी ले सकते हैं, बट मुझे गोल्डन चाहिए था, एंड ये बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा। ये आप इसको देख के मतलब कोई बोल नहीं सकता कि स्मार्ट वॉच है, ऐसे लगती है, बहुत ही क्लासी सी वॉच है एंड काफ़ी रीजनेबल है। आई थिंक ये 1500 को समथिंग की वॉच थी, या इसी के आसपास का रेट था इसका। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट है वो है ये, आपको मेकअप का अगर शौक है और उसके बाद आपको बहुत मेंटेन करना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है कि बहुत ऑर्गेनाइज रहे आपका मेकअप, तो इस टाइप के आप मेकअप होल्डर ले सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें ना आप ब्रशेस वगैरह भी रख सकते हैं, इससे मैंने काफ़ी सारे ना इसमें फाउंडेशन वगैरह रखी, देखो फाउंडेशन रखे हुए मेरे, ज़्यादातर इसमें फाउंडेशन ही रखे हुए हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, क्योंकि मैंने ऐसे दो लिए हुए हैं। एंड इसमें कलर ऑप्शन भी आपको और मिल जाएंगे, ये थ्री पूरा रोटेट हो जाता है, और नीचे की साइड आपको इस टाइप की लाइक्स मिलती है। क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी सामान आ जाता है, ये देखो बहुत सामान आ जाता है। ये है डिजिटेक का ट्राईपॉड, और इसकी जो हाइट है ना एक्सटेंड कर सकते हैं 6 फीट के आसपास तक इसकी हाइट है, एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसको ना गाइस देखो, यहाँ से आप इसको ना ऐसे ओपन करोगे तो ये पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों काम करेगा, बट जिस पे जिस पोजीशन पे आपको रोकना है उसके बाद इसको लॉक कर दीजिएगा, एंड यहाँ से जो है ना ये करेंगे तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। वीडियोस वगैरह बहुत टाइप की कुकिंग वगैरह की वीडियोस बहुत अच्छे से बन जाएंगे इनसे। एंड इसके बाद यहाँ से आप करोगे तो ये पूरा 360 घूम जाता है, और यहाँ पे पूरी ना रबर मतलब ये रबर टाइप की ग्रिप दी हुई है, तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, बहुत ज़्यादा अच्छी। इसका मॉडल नंबर मुझे याद नहीं, बट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप चेकआउट कर लेना। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस, एक और है, ये एक मिनी ट्राईपॉड है, और ये मेरा सेकेंड ट्राईपॉड था, क्योंकि इससे पहले मैंने गोरिल्ला वाला चला था ना वो, बट वो पता नहीं मैंने शायद किसी को दे रहा था, ये भी डिजिटेक का है एंड ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। अगर आपको कहीं आउटडोर अगर आप जा रहे हैं, आपको बड़ा ट्राईपॉड लेके नहीं जाना और सिर्फ इससे आपका काम हो जाएगा, तो आप इसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसको करेंगे तो देखो 360 पूरा घूम जाता है ये, एंड अगर आपको इस पोजीशन पे रखना है तो आप ऐसे करके इसको बंद कर देंगे, और अगर आपको इस पे रखना है तो आप ऐसे करके बंद कर देंगे, और यहाँ से भी यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों यूज़ होता है, प्लस इसकी लेग्स ना थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाती है, देखो बहुत ज़्यादा नहीं होती बट काफ़ी हो जाती हैं। एंड आप इसको एज ए सेल्फी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राईपॉड मिनी ट्राईपॉड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छी ग्रिप, इसकी ना ग्रिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है, एंड बिल्ड क्वालिटी का सच में डिजिटेक की तो बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर आपको कभी भी ट्राईपॉड लेने ना, आप डिजिटेक में जाइएगा, मैं कभी आप लोग के साथ ना जितने भी मेरे पास ट्राईपॉड है सबका रिव्यू करूँगी आप लोग के साथ, तो आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ में बताऊँगी उसमें मुझे क्यों पसंद है वो। एंड अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अमेजॉन रैंडम फाइंड हॉल में, तब तक के लिए बाय बाय।